एसपी के निर्देश पर सिविल लाइन थाने में 90,000 की ठगी का मामला दर्ज। कार खरीदने और बेचने के दौरान पैसों को लेकर हुआ है विवाद। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आकुड़िया के रहने वाले टीकमचंद नायक की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर एससी एसटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल हसबेंड स्कूल कैंपस अजमेर। थाने के एएसआई राम सिंह ने बताया कि आरोपी मोहसिन खान के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420-406 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आकुड़िया के रहने वाले टीकमचंद नायक ने कार खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे वह सौदा रद्द होने पर मोहसिन खान ने वापस नहीं लौटाए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे 80,000 रूपये का चेक दे दिया गया, लेकिन वह भी केस नहीं हो रहा। इसके बाद टीकमचंद ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। ये श्रीमान एसा के आदेश अनुसार मुकदमा दर्ज हुआ कल। इसमें परिवार दिए श्री टीकमचंद नायक आकोड़िया का निवासी है। तो इसने कहा कि कोई मोहसिन खान का नाम बता रहा है कि उसने मेरे साथ कोई कार को लेन देन के बारे में 90,000 रुपये की ठगी की बताते हैं। उसमें मुकदमा दर्ज होगा, 275 नंबर मुकदमा है, धारा 420-406 IPC में है, जिसकी तफ्तीश में मेरे द्वारा की जा रही है। पास में शोरूम में नुमेरोनो को वहाँ जॉब करता था। ये मेरे साथ 27 जून को एक घटना हुई थी सर। वहाँ क्या 3-4 कस्टमर बैठे थे, तो मैंने एक कस्टमर को बोला था कि सर कोई गाड़ी हो मेरे लिए 1-1.5 लाख रुपए की तो बताना आप। तो पास में मोहसिन खान बैठे थे, मोहसिन खान ने बोला कि मेरे पास पड़ी है और मेरे को भी 1.5 लाख की जरूरत भी है, तो देख ले अगर तेरे को गाड़ी समझ में आ जाती है तो ठीक, नहीं तो तेरे पैसे वापस ले लेना और तू गाड़ी मेरे को वापस दे देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर आप मेरे को गाड़ी दिखा दो। तो मोहसिन भैया ने मेरे को गाड़ी दिखाई, आधे घंटे बाद में गाड़ी देखने के बाद मैंने बोला कि सर ये आप एक काम करो, अभी तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास किराए पर रहता हूँ, यहाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, तो आप मेरे को ना 27 तारीख को दे देना आप। तो मोहसिन भैया ने बोला यार टिकम मेरे को अभी पैसों की ज़रूरत है, तो कैसे भी करके गाड़ी कागज रख ले, मेरे को पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे से 80,000 रुपये एक लिए थे, 10,000 एक लिए थे, 90,000 रुपये लिए थे मेरे से। 90,000 लेने के बाद में फिर उन्होंने बोला चल ठीक है 1-2 दिन बाद में बता देना मेरे को। मैंने बोला ठीक है मैं गांव जाऊंगा 1-2 दिन में आपको बता दूँ। तो मैं 27 तारीख को गांव गया सर। गांव जाने के बाद में पापा को इनको गाड़ी दिखाई, तो पापा ने इन्होंने मना कर दिया कि ये अपने गाँव लायक गाड़ी नहीं है। फिर मैंने मोहसिन भैया को फ़ोन किया, मोहसिन भैया यार गाड़ी मेरे समझ में नहीं आई अब क्या करना। तो मोहसिन भैया ने बोला भाई चल कोई नहीं तू मेरे ऑफिस आ जा वैशाली नगर में, तेरी गाड़ी और कार दोनों लेके आ जा, जो भी हिसाब कर देता हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है गाड़ी और दोनों दे जा। तो मैंने गाड़ी और कागज़ देने के लिए मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने बोला चल ठीक है दोनों ले जा मैं निकला लूँगा पैसे। उसके बाद में सर मैं गाँव आ गया वापस। गाँव आने के बाद में फिर मोहसिन भैया ने यहाँ मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया बस स्टैंड चौकी पर कि मेरी गाड़ी ले गए ऐसे ऐसे बात है। तो पुलिस वालों ने मेरे को बोला।